डियर स्टूडेंट्स, मैं नितीश ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्लास टेंथ नेम इज एनफ यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जिसे केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। ये रासायनिक सूत्र क्लास टेंथ और ट्वेल्थ दोनों बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम से बच्चे फार्मूला बनाते हुए भूल जाते हैं, या फार्मूला रटते तो हैं बट भूल जाते हैं कैसे बनाया है। तो आज बेसिकली उनके बेस को हम लेकर चलेंगे कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जब आयनों का योग होता है तो प्लस और माइनस आयन जो मिलते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन मिलके, ये कैसे सूत्र बनता है, यानी कि फार्मूला बनता है। और बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते हैं आगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि रासायनिक सूत्र बनता कैसे है। पहले हम बात कर लेते हैं धात्विक आयन की और अधात्विक आयन की। तो जो आयन हमारे धात्विक होते हैं यानी कि धनायन होते हैं, और ये अधात्विक आयन तो ऋणायन, इन दोनों के जो मिलने से बनता है क्या बनता है, यौगिक बनता है। आपने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको बस ध्यान रखिए कि अधात्विक आयन और धात्विक आयन दोनों के क्या बनते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। अब ये धनायन होते हैं और ये ऋणायन होते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन में क्या बनता है, ये आपको बनता है रासायनिक सूत्र। यहाँ पर हमने लिखा है कुछ धात्विक आयनों को और यहाँ पर लिखा है इसके सामने अधात्विक आयनों को, इससे हम सूत्र बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, जैसे एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे, जैसे आपका लिखा है यहाँ पर चूप्रस, यहाँ पे अगर एक रहेगा तो अस लगा देंगे, ठीक, मतलब कम हो जाए अस लगाएंगे, और जिसमें ज्यादा हो जाए उसमें क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्यूप्रस अस लगा इसमें, और यहाँ पे क्या लगा है, इक लगा है, क्यूप्रिक, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे वही है, अस लगा है, यहाँ पे इक लगा है, ठीक, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं, जैसे हम पहले लेते हैं फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लेते हैं, फेरस और यहाँ पर सल्फेट है, ये पहला हमने सूत्र लिया है। फेरस सल्फेट कैसे बनाते हैं, ये देखिए हमने लिखा है फेरस सल्फेट। तो फेरस क्या होता है, Fe, ठीक है, और यहाँ प्लस टू हो जाएगा, ठीक, और यहाँ प्लस में लिखेंगे आगे। इसके बाद फेरस के बाद क्या होगा, सल्फेट में आपका आता है SO4 माइनस टू, SO4 ऊपर माइनस का दो। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सूत्र लिखने के लिए Fe को ऐसे लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिख लेंगे SO4, ठीक है। आप देखिए ये जो इसका पावर होता है इसके नीचे चलाता है यहाँ पे, और इसका पावर इसके नीचे चलाता है, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा इसमें, तो ये वाला टू चलाएगा यहाँ पे और ये वाला टू चलाएगा यहाँ पे। उनके चिन्ह हम लिखते नहीं है, प्लस और माइनस को लिखते नहीं है, धन और ऋणायन को लिखा नहीं जाता है। फिर टू से टू कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका FeSO4, ठीक है, तो ये आपको बन गया फेरस सल्फेट का सूत्र। ऐसे एक और सूत्र हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये लेते हैं जिंक, जिंक सल्फेट लेते हैं, जिंक क्लोराइड लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जेड एल प्लस टू सी एल माइनस लेते हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम लोग जिंक जिंक सल्फाइड लिए या जिंक सल्फेट लेते हैं। जिंक सल्फेट में क्या होगा, जिंक पे आपका दो है, जेड एल प्लस टू है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सल्फाइड में आपका, सल्फेट में SO4 माइनस टू हो जाएगा, SO4 पे माइनस टू, इसका भी सेम ऐसे बनेगा, जिंक आप यहाँ लिख लेंगे इनटू ब्रैकेट में SO4 हो जाएगा आपका, ये टू यहाँ चला जाएगा और ये वाला टू यहाँ चला जाएगा, टू टू कैंसिल, ये जेड एन SO4 बन गया आपका, ठीक है। एक और देखते हैं ताकि आपके अंदर कोई डाउट्स ना रह जाए, आपको इसी बारीकी समझ में आ जाए, ये देखिए यहाँ पे एक और देखते हैं हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, तो एन ए सोडियम क्लोराइड, अब देखिए सोडियम में क्या है, एक है, एन ए प्लस लगा देंगे और प्लस, ये प्लस का मतलब क्या है, इसमें एक छिपा हुआ है, ठीक है, और क्लोराइड में कितना है, क्लोराइड में ये भी एक है, सी एल माइनस, तो यहां पर क्या लगा देंगे एन ए, और ये एक है और यहाँ पर सी एल, ये वाला एक यहाँ चलाएगा, ये वाला एक यहाँ चलाएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये तो एन ए सी एल। अब कभी कभी ऐसा आएगा यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, तो कटेगा नहीं, तो ये वाला टू इसका यहाँ चलाएगा, ये वाला वन यहाँ चलाएगा, वहाँ पर उसको काटेंगे नहीं, ठीक है, जब समान होगा तो काटेंगे, समान नहीं होगा तो उसको नहीं काटेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे आप शादी में क्या होता है, दो पक्ष मिलते हैं तब तो शादी पूरी होती है, तो ये लड़का पक्ष है, ये लड़की पक्ष है, दोनों जब मिल जाते हैं तो वैवाहिक सूत्र संपन्न हो जाता है, तो ये वैवाहिक बंधन क्या बन गया है, ऐसे इनका रासायनिक सूत्र हम बनाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ
अगर आपको क्लास टेंथ का कंप्लीट कोर्स करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई ट्यूटोरियल पे आइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से हम आपको क्लास टेंथ का ऑल सब्जेक्ट कराएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा तो इस चैनल पर कमेंट कीजिए और हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।